गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से मैम प्रिया मैसी, होम साइंस टीचर। आज का क्लास क्लास सिक्स के बच्चों के लिए है। लेसन सिक्स, लेसन का नाम है प्राथमिक चिकित्सा। आज पार्ट वन में मैं आपको बताऊंगी बच्चों प्राथमिक चिकित्सा के अर्थ के विषय में और चिकित्सा पेटी क्या होती है और ये क्यों आवश्यक है। प्राथमिक चिकित्सा उस चिकित्सा को कहते हैं जो दुर्घटना स्थल पर डॉक्टर के आने से पूर्व की जाती है, जैसे ऊंचे स्थान से अचानक गिर जाना, हाथ पैर की हड्डी टूट जाना, मधुमक्खी या बिच्छू सांप के द्वारा काटे जाना, पानी में डूबकर बेहोशी आना, गर्म चीज़ों द्वारा हाथ पैर जलना। यदि ऐसी स्थिति में प्राथमिक उपचार ना किया जाए तो स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। तो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि चिकित्सा पेटी क्या है और ये क्यों आवश्यक है और इसके क्या लाभ हैं। चिकित्सा पेटी, जिसको हम फर्स्ट एड बॉक्स भी कहते हैं, आइए बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी कि इस चिकित्सा पेटी में हम क्या क्या वस्तुएं रखते हैं। बाम, जो कि सिर दर्द, हाथ पैर में अगर दर्द है उसको लगाने के काम आता है। यदि आपके कभी भी ऐसा होता है कि आप घर में हैं और अचानक से आपके सिर में दर्द होता है तो आप सीधे डॉक्टर से ना जाके आप क्या करेंगे, बाम लगा लेंगे, तो उससे आपको क्या होगा, आराम मिल जाता है। दूसरा, रुई व पट्टी। रुई पट्टी किस काम आती है, घाव को साफ करने के। कभी भी आपके हाथ या पैर में रगड़ लग जाए या चोट लग जाए तो ये उसमें सहायक होती है घाव को पोंछने के लिए। नेक्स्ट है डेटॉल या सेवलॉन। ये घाव को साफ करने के लिए होता है, जिसमें जो भी कीटाणु होते हैं वो कीटाणु हट जाते हैं। बैंड, छिलने या कटने पर लगाया जाता है। एंटीसेप्टिक क्रीम, कटने या छिलने से रक्त बहता है या चोट लगती है तो एंटीसेप्टिक क्रीम इसमें बहुत आराम पहुंचाती है कम समय में। इनो या पुदीन हरा, पेट दर्द, दस्त या बदहजमी होने के कारण हम क्या करते हैं, इनो का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉल पाउडर, जो कि यह शरीर में नमक व खनिज लवणों को की कमी को पूरा करता है। थर्मामीटर, बुखार नापने के लिए। ग्लूकोज, थकान व बेहोशी को दूर करने के लिए। कैंची, पट्टी को काटने व अन्य कार्यों के लिए। तो बच्चों, ये सामान हमारा किस में होता है, चिकित्सा पेटी में, और ये हर घर में होना चाहिए जिससे कि हम तुरंत अपना उपचार उस समय कर सकें। पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगी मधुमक्खी, सांप और कुत्ते के द्वारा काटे जाने पर कौन कौन से उपचार हम कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।